Hey guys and welcome back to my YouTube channel. I know मैं ये वीडियो काफी सारे दिनों के बाद डाल रहा हूँ एंड ये काफी अननेसेसरी वीडियो भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग. Hello, mic testing 1, 2, 3. I hope the audio is clearly audible, and if not, please buy a new headset, cause that's a fucking mic, bro. बहुत सारे दिनों के बाद कोई ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक पर्टिकुलर ऐसा बैठ के कहीं पे ऐसा लाइक कंडेंसर माइक वगैरह लेके, इसका मेरे पास पॉप फिल्टर भी है जो कि मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ. ओके, सो सीधा आते हैं पॉइंट पर. मेरा नाम है पराग एंड मैं पिछले 2 सालों से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ. ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इससे कोई अच्छा आउटपुट मिला नहीं है, बट वॉट आई फाउंड इज माई हैप्पीनेस. अभी अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं 20 साल का हूँ एंड मैं एक साइड बाय साइड जॉब भी कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रहा हूँ. मुझे जब भी टाइम मिले मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ एंड जो वीडियो बनी हुई है उसको एडिट कर रहा हूँ. तो इट्स बीन अ बिग डील फॉर मी, है ना. आई विल गेन संपत्ति एंड अटेंशन फॉर दिस एज वेल, बट द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस एंटायर वीडियो इज समथिंग डिफरेंट. मैंने पिछले 2 साल में करीब सिर्फ 700 सब्सक्राइबर्स गेन किए. मैं आज तक काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा डर जाता था, सहम जाता था जब मुझसे कोई पूछता था कि तेरे चैनल का नाम क्या है या तेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि हर बारी ऐसे 700 सब्सक्राइबर्स बोलना इज नॉट गुड ब्रो. लाइक लोगों को अभी तक ऐसा ही बोलना है कि यार अभी तक तू 700 पर ही है. बट ऑनेस्टली कहूँ, ऑर्गेनिकली अगर आप किसी भी चीज़ में जाओगे तो वो टाइम समेत ही ग्रो होगी, है ना. ऐसा नहीं है कि आपने आज बीज बोया एंड आपको कल के कल एक बड़ा 21 फीट का, क्योंकि 21 पे मेरी एसी चल रही है तो 21 फीट का, ऐसा नहीं है कि आपको द नेक्स्ट डे ही ट्री देखने मिलेगा. वो एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है. तो क्वेश्चन कहाँ पर आता है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेरी वीडियो चलती क्यों नहीं है एंड इफ चलती है तो क्यों चलती है. Now a lot of my fellow YouTubers and a lot of my friends as well think ki I don't make quality content. I agree. I don't call myself a content creator. I am here to show my vision, show my perception about the entire scenario. Hai na? I am not making videos for likes or views. Ha, wo ek 20% aspect hai, but other than that it's for my passion. It's my passion to make videos. It's my hobby to create something I feel I should. Last 2 vlogs जो मैंने डाले गणपति के, I know the videos were so lengthy, but honestly कहूँ touch wood, 43 minutes की वीडियो थी. मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने एक दफ़ा नहीं सोचा था वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले कि यार 43 minutes की वीडियो कोई देखेगा, क्या कोई देखेगा. मैंने, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन भी नहीं आया. माई एंटायर परसेप्शन और विजन ऑफ मेकिंग वीडियोज इज टू शो माई पर्टिकुलर लाइफ इन माई पर्टिकुलर वे, है ना. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे उससे कितने सब्सक्राइबर्स व्यूज़ वगैरह मिलेंगे. अगर मुझे व्यूज़ के लिए वीडियो डालनी होती है, मैं पिछली वाली वीडियो 43 मिनट्स की थी, मैं उसको 4 पार्ट्स में इजीली डाल सकता था. 10, 10, 10 and 13 minutes, दैट इज 4 पार्ट्स हो जाएंगे. मुझे अभी जो एंगेजमेंट मिली है उससे मैं कहता हूँ 4 times और ज़्यादा मिलती. बट एट द एंड इट्स नॉट मी ब्रो. मैंने ये चैनल शुरू इसीलिए किया था कि मैं अपना ओपिनियन और अपना विजन दे सकूँ, रख सकूँ, है ना. मेरा भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन है हर चीज़ों को लेके एंड मे बी आपका और मेरा दोनों का ओपिनियन क्रैश हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. Even I don't have the right to judge you and आपको भी कोई right नहीं है. But yeah, it's okay. It's social media, तो उसमें judging का game चलता रहता ही. You know, people काफ़ी ज़्यादा judgmental होते हैं and sometimes I don't feel like making videos, है ना. I received a lot of criticism
by uploading last two videos, not because the videos were not that good, but because the videos were lengthy. Everyone was like, अरे भैया चार पार्ट में डाल देता तो तुमको ऑडियंस गेन करना नहीं आता क्या, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बहुत सारी चीज़ें कही मुझे. माय एंटायर थिंकिंग अबाउट मेकिंग वीडियोस इज टू क्रिएट मेमरीज, बिकॉज यही बातें तो बाद में याद आएगी. द वे आई मेक वीडियोस इज द वे ओनली आई मेक वीडियोस. कोई मेरी तरह वीडियोस नहीं बनाता है, कोई 10-15 मिनट्स की वीडियोस नहीं बनाता है. यू नो, आज से ठीक अगर एक डेढ़ साल फ्लैशबैक में जाओगे, व्हेन कोविड एंड लाइक यू नो एंटर दिस पैंडामिक सिचुएशन हैपेंड, एवरीवन वाज मेस्ड अप ब्रो, एवरीवन वाज फक्ड अप. बट एट दैट टाइम आई अपलोडेड 7 वीडियोस इन 7 डेज. आई मेड वीडियोस व्हिच आई लाइक. मेरे वीडियो का आउटपुट क्या है मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. बट if I am enjoying making videos, if I am enjoying the editing, if I am enjoying the whole process, I don't really care about the number of views and likes and share and also subscribers I gain. Everything is about my happiness. This particular video is also for my happiness. I am not here to clear anything. I am not here to prove myself right. मैं इतना कष्ट करके, इतना कंडेंसर माइक वगैरह लगा के एंड मैं जानबूझ के ऐसे बोलूँगा क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है. हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3. इट्स बीन 2 ईयर्स आई एम मेकिंग वीडियोज, एंड अगर मैंने सही में अगर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए सोचा हो तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता. आई वुड बी एट सम अनदर लेवल मेकिंग प्रैंक वीडियोज फॉर यू ऑल, बट It's just me. So, also thank you so very much for showing so much of love and support to all my videos, no matter what. पता है spark कहाँ होता है लोगों को कि I upload videos which are not considered quality content and वो videos की engagement आ जाती है, वो videos चल जाती है. See, मैं इतने time से inactive हूँ, वो मैं एक बहुत बड़ी रीज़न की वजह से. इट्स नॉट दैट कि मेरे पास कंटेंट नहीं है. अभी मेरे पास कंटेंट है तो देखो मैं रेगुलरली 3 से 4 वीडियोस बना रहा हूँ, एंड मेरे पास ऐसे इतनी स्टोरी टेलिंग वीडियोस है, इतनी स्टोरी टेलिंग वीडियोस है कि तुम लोग देख देख के ख़त्म हो जाओगे. मेरी कहानियाँ नहीं ख़त्म होने वाली, बट ऑब्वियसली आप लोगों का समय ज़रूर ख़त्म होगा. तो मुझे इतना पता है कि आज नहीं तो कल मेरी एक है ना एक वीडियो, एंड मैं जितनी भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, देखो ब्रो एट द एंड इट्स अबाउट ऑनेस्टी, इट्स अबाउट हाउ ट्रू आई एम टू माई सेल्फ. आई डोंट नीड टू प्रूव एनीवन कि मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ, कहाँ पर सही, नॉर आई एम गिविंग यू द राइट्स टू डू सो. आई नो where I am going right, I know where I am going wrong, and I accept that, and I am completely accountable for it, hai na? It's not your fault bro, the people who are watching this, it's not your fault ki agar tumhari videos nahi chalti hai. It's because maine shuru se hi aisi audience grow kari hai, touch wood, wo ab bhi meri videos dekhti hai, and inshallah jab main future mein kuch क्वालिटी कॉन्टेंट, क्वालिटी डोप शिट ड्रॉप करूँगा तब भी इंशाल्लाह वो ज़रूर देखेगी. इट्स बिकॉज द वे आई एम, इट्स सो सब कुछ साइड में रखते हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. आई एम कम्प्लीटली ग्रेटफुल फॉर इट. आई वॉज नॉट सपोज टू मेक दिस वीडियो, बट यू नो मेरा शेड्यूल ही इतना हिक्टिक होता है कि आई डोंट इवन गेट टाइम टू एडिट वीडियोस. मेरी 4 वीडियोस मेरे फ़ोन के अंदर पड़ी है पेंडिंग, मुझे उनको एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. मुझे किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने पड़ रहे ताकि वो मेरी वीडियोस एडिट कर पाए. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. वंस लाइक अगर मैं कम्प्लीटली इस चीज़ में जिस दिन घुस गया ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, आई डोंट रियली केयर what other people think about me, because
I used to. Even now, when I am making this video, मेरे backend में ये thought चल रहा है कि क्या मैं ये video बना रहा हूँ, क्या ये video सही है, क्या ये quality content में consider होती है, but it's just me. At the end, it's just me. है ना, I have to satisfy myself with my videos. पहले जब कोई मेरा कोई चैनल स्टॉक करता था मेरे सामने या कोई मेरी वीडियोस मुझसे पूछता था तो आई यूज्ड टू रन, आई वाज लाइक नो ब्रो ये क्रिंज बंद कर, बट अब मैंने वो चीज़ बना दी है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा नो मैटर वो कितनी क्रिंज है. कितनी सारी बातें ऐसी होती है जो शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए बट मैं बोल देता हूँ. इट्स ऑल बिकॉज मैं हूँ ऐसा डूड. एंड It's 2:15 in the night and I'm so very tired. But please do like, share, comment and subscribe. Also, अगर आप लोगों को ये वीडियो, मुझे पता है ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, लाइक अभी भी देख रहे हो एंड अभी भी देख रहे हो, तो मेक श्योर यू ऑल हिट अ लाइक. Comment down below whatever you feel. And yeah, that is it for today's video. इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें lined up है. मेरे को थोड़ा सा time दो है ना, मैं चीज़ें figure out करके I will try to edit them as soon as possible. तब तक के लिए bye, शब खैर, good night, tata, see ya, love ya, peace. Okay, so guys, you all must be thinking कि ये mic मेरे पास कहाँ से आया. तो ये मैंने माइक ऐसे ही लिया था, मेरे फ्रेंड से बोरो किया था. इट वॉज फॉर अ डिफरेंट वीडियो बट ये किसी दूसरे वीडियो में ही यूटिलाइज हो गया. बट एनी वेज, इफ यू गाइज एंजॉयड द वीडियो मेक श्योर यू आर हिटिंग. चमेली मीकू ने नहाई नहीं किया है भाई, पता तुम लोगों को इन सारे चक्कर में मैं मीकू का पूरा बचपन रिकॉर्ड करना भूल गया. मीकू भैया लव यू बहुत शाला, भैया अच्छी वीडियोस बनाते हैं ना मीकू. अरे 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 भाग रहा है, मीकू हेटर है. नहीं, सो गाइस द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, अगर तुम लोगों को एक समरी दूं मैं, तो इट्स लाइक कि आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर माय पर्सनल मेमोरीज. सो प्लीज, आई नो द यूट्यूब गेम, बस थोड़ा टाइम का बात है ना, टाइम के साथ. देखो अभी मैं ये चीज मैंने क्लियर कर दी, इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, इसके अलावा जो हेट है, क्यों है, क्या है, इन सब के ऊपर भी मैं पास लाइक एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है. बट फिर वही है ना, मैं अगर हर चीज को क्लेरिफाई करता बैठ गया तो वो चीज उतनी ही डीप होती जाएगी, है ना. मैं ऐसे लोगों को ना बिल्कुल एंटरटेन करना चाहता हूँ, एंड अगर मुझे कोई टॉक्सिक कंसिडर करता तो मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगा कि मुझे भी बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना, बिकॉज हेटर्स डिजर्व ही नहीं करते. सो माय एंटायर विजन ऑफ मेकिंग वीडियोस इज टू क्रिएट मेमोरीज, इज टू क्रिएट व्हाटएवर आई लाइक. प्लीज